ऑस्कर में नियाज खान, यूपी चुनाव में बयानबाजी लगातार जारी है। सभी पार्टियां अपने हिसाब से बयान दे रही हैं ताकि उनका सियासी फायदा हो सके। इस बार यूपी चुनाव में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। ओवैसी का यूपी चुनाव में ताल ठोकना यूपी की सियासत को और गर्मा दिया है, इसलिए सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराने से लेकर गजवाए हिंद तक बात आ गई है। इसी बीच एक बीजेपी नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। दरअसल गोंडा में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को अपना परम मित्र बता दिया और यहां तक कह दिया वह क्षत्रिय हैं, ओवैसी ईरान वाले नहीं हैं बल्कि भगवान श्री राम के वंशज हैं। हमारा मित्र है जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूं। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। इतिहास दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने अपने बेटे और बीजेपी प्रत्याशी प्रतीक भूषण सिंह के समर्थन में जनसभा करते हुए मंच से विरोधियों पर निशाना साधा और भाजपा की नीतियां बताई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का झगड़ा अखिलेश यादव से है क्योंकि अखिलेश मुसलमान का वोट चाहते तो हैं लेकिन मुसलमानों को खुल करके क्रेडिट नहीं देना चाहते, मुसलमान नेताओं को साथ बैठाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ओवैसी और अखिलेश की लड़ाई इसलिए है कि मुस्लिम की लीडरशिप किसके हाथों में होनी चाहिए। इसके साथ ही बृजभूषण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा अखिलेश एक नंबर के धोखेबाज हैं, बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया, धोखा देना उनका काम है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को भी धोखा दे दिया। अखिलेश एक नंबर का धोखेबाज, बाप को धोखा दे दिया, चाचा को धोखा दे दिया, मसूद भाई को धोखा दे दिया, राम प्रताप भाई को धोखा दे दिया, धोखा उसका काम है और इनको भी धोखा दे दिया। बातचीत चली थी, अरे स्वामीनाथ मौर्या भी लुट गए यार, कुछ नहीं मिला। हाँ वो भी गए थे कि 30 सीट लेंगे 20 सीट लेंगे, लुट गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई है कि मुस्लिम लीडरशिप किसके हाथ में हो। हमारा मित्र है जहां तक मुझे जानकारी है, बहुत ज्यादा प्रमाण मेरे पास नहीं है और मैं उसको प्रमाण निकाल रहा हूँ। वो पुराना क्षत्रिय है, वो भी जो है भगवान राम का ही वंशज है, वो ईरान वाला नहीं है। इतिहास दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। अरे रालोद फालोद को कौन पूछने जा रहा है यार, कहाँ रालोद फालोद, सब खत्म चुनाव के बाद। देखिए आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे बक रहा हूँ, खत्म खत्म। अरे भैया मुसलमान इस बार अंतिम बार सपा के साथ है। मुसलमान या तो अपना समीकरण बनाएगा या तो ओवैसी को नेता मानेगा या कोई दरवाजा ढूंढेगा, और जैसे मुसलमान इनसे हटा और बस छिलका बोकला सब उतर जाए, अतना हम रह गई हैं 2 सीट 3 सीट 4 सीट 5 सीट, सपा की कहानी खत्म। तो देखा आपने चुनावी मौसम में किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरफ ओवैसी को कट्टर मुस्लिम नेता कहा जाता है तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद ओवैसी को भगवान श्री राम का वंशज और उन्हें क्षत्रिय बता रहे हैं। इस खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।